हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, ग्रेविटेशन। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से। अर्ली इन आवर लाइफ वी बिकम अवेयर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ऑल मटीरियल ऑब्जेक्ट टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो हम बहुत छोटी सी एज में ही हम समझ में आ जाता है हमें कि अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर थ्रो करते हैं तो वो अर्थ की तरफ आएगी। ये हमें बहुत छोटी सी एज में ही समझ में आ जाता है जैसे हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनी थिंग थ्रोज अप फॉल्स डाउन टूवर्ड द अर्थ। गोइंग अप हिल इज लॉट मोर टायरिंग दैन गोइंग डाउन हिल। रेन ड्रॉप फ्रॉम द क्लाउड्स अबव फॉल टूवर्ड द अर्थ एंड देयर आर मैनी अदर सच फिनोमेना। ठीक है, तो एक हिल में ऊपर चढ़ना टफ है, नीचे आना ईजी है। ठीक है, रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ फॉल होती है। कोई भी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो नीचे आती है। तो ऐसे ही सारे ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं जिससे प्रूफ होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। हिस्टोरिकली इट वाज द इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो हु रिकॉग्नाइज्ड द फैक्ट दैट द ऑल बॉडीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द अर्थ विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो गैलीलियो ने इस बात को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, इस बात को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया कि जो अर्थ है वो हर एक बॉडी पे चाहे वो कितनी भी हैवी हो, कितना भी उसका मास हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक बॉडी अर्थ की तरफ सेम एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होगी। हर एक बॉडी पे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, यानी कि एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो दोनों सेम टाइम पे अगर हम सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो सेम टाइम पे अर्थ से फॉल होगी, सेम टाइम लगेगा उन्हें सरफेस में पहुँचने में। ठीक है, और इसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था इस चीज़ को पब्लिकली। ठीक है, इट इज़ सेड दैट ही मेड अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट। फॉर्मूला वगैरह से हम उसको समझेंगे आगे चैप्टर में। ठीक है, जी की वैल्यू जो हम देखे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल जी एम अपॉन आर। ठीक है, इसमें ये ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है आर, तो ये क्वान्टिटी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मतलब ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो नाउ टू फाइंड द फैक्ट, टू फाइंड द ट्रूथ, ही सर्टेनली डिड एक्सपेरिमेंट विद बॉडीज रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन्स एंड अराइव एट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ क्लोज टू द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन लेटर। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का की वैल्यू उन्होंने ऑप्टेन करी और जो काफ़ी क्लोज है, जो अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू पता है उसके काफ़ी एक्यूरेट है। और सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोमिनन observation of stars, planet and their motion has been the subject of attention in many countries since the earliest of times. तो स्टार को ऑब्जर्व करना, प्लैनेट को ऑब्जर्व करना, बेसिकली नाइट स्काई को ऑब्जर्व करना, ये पहले से हर एक कंट्री में रहा है। ऑब्जर्वेशन सिंस अर्ली टाइम्स रिकोगनाइज स्टार्स विच अपेयर इन द स्काई विच पोजिशन अनचेंज ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, तो स्टार को ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि सालों साल उनकी जो पोजिशन है वो चेंज नहीं होती। द मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर द प्लैनेट्स विच सीम टू हैव रेगुलर मोशन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स। ठीक है, और जो प्लैनेट्स हैं उनके पैटर्न को ऑब्जर्व किया, उनके मोशन को ऑब्जर्व किया, तो उनके मोशन एक रेगुलर पैटर्न में उनका मोशन होता है। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल फॉर प्लैनेटरी मोशन प्रपोज बाय टॉलमी अबाउट 2000 ईयर्स अगो वॉज अ जियोसेंट्रिक मॉडल इन विच ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट स्टार्स द सन एंड द प्लैनेट्स ऑल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पर नाइट स्काई को ऑब्जर्व करके टॉलेमी ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको बोला गया जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो आपको पता है दिस इज अर्थ, सेंटर मतलब सेंट्रिक मतलब सेंटर में। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग 2000 साल पहले ये मॉडल प्रपोज किया गया था टॉलेमी के द्वारा और इसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो सेंटर पे है। ठीक है, और सारी सेलेस्टियल बॉडी जो भी स्टार सन प्लैनेट सारे ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, द ओनली मोशन दैट वॉज थॉट टू बी पॉसिबल फॉर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वॉज मोशन इन अ सर्कल। और ऐसा समझा गया, ऐसा माना गया कि किस तरह मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जो सन है और स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स ऑफ मोशन वर पुट फॉरवर्ड बाय टॉलेमी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्व मोशन ऑफ द प्लैनेट। द प्लैनेट वर डिस्क्राइब एज मूविंग इन सर्कल विद सेंटर ऑफ द सर्कल देमसेल्फ मूविंग इन लार्जर सर्कल। तो इन्होंने जो
प्लैनेट्स के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्कीम प्रपोज की, ठीक है। जैसे कि बोला, इन्होंने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कल्स में मूव कर रहे हैं और जो सेंटर है सर्कल का वो भी लार्जर सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की और भी इन्होंने स्कीम प्रपोज करी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सिमिलर थियोरीज वर ऑल्सो एडवांस बाय इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स सम 400 ईयर्स लेटर, ठीक है। और ऐसी थियोरीज इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने भी प्रेजेंट की 400 ईयर्स लेटर। हाउएवर अ मोर एलिगेंट मॉडल इन विच द सन वॉज द सेंटर अराउंड विच द प्लैनेट रिवॉल्व द हीलियोसेंट्रिक मॉडल वॉज ऑलरेडी मैंशन बाय आर्यभट्टा इन हिज ट्रीटिस। ओके, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियो मतलब सन से, सेंटर तो सन सेंटर पे, ऐसा मॉडल आर्यभट्टा ने अपनी बुक में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। 1000 ईयर लेटर अ पॉलिश मॉन्क नेम निकोलस कॉपरनिकस प्रपोज अ डेफिनेटिव मॉडल इन विच द प्लैनेट्स मूव इन सर्कल्स अराउंड अ फिक्स्ड सेंट्रल सन, ठीक है। तो निकोलस कॉपरनिकस ने भी सेम जो आर्यभट्टा ने 5th century में ही बोला था कि जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब सन सेंटर पे और जो प्लैनेट्स है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये उन्होंने मॉडल दिया। हिज थ्योरी वॉज डिसक्रेडिटेड बाय द चर्च बट नोटेबल अमंग्स द सपोर्टर वॉज गैलीलियो हु हैड टू फेस प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द स्टेट फॉर हिज बिलीव, ठीक है। तो आपको पता हो इस चीज़ के बारे में, तो पहले जो चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जो चर्च ने कह दिया वही सही माना जाता था, उसके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता था बेसिकली, ठीक है। तो इसको उनको क्रेडिट नहीं दिया गया इस चीज़ का, इवन इसको इनको डेथ सेंटेंस भी फेस करना पड़ा इस वजह से। गैलीलियो जो थे, लेकिन इनके जो डिसाइपल थे, ठीक है, इनके सपोर्टर थे, गैलीलियो थे, इस बात से वो अग्री करते थे, बट वो भी इस चीज़ को चर्च के अगेंस्ट वो भी नहीं जा पाए। इट वॉज अराउंड द सेम टाइम एज गैलीलियो नोबल मैन कॉल्ड टाइको ब्राहे हीलिंग फ्रॉम डेनमार्क स्पेंड इज एंटायर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ इस प्लैनेट विद द नेकेड आई। तो जो टाइको ब्राहे थे, इन्होंने पूरी लाइफ अपनी ऑब्जर्व करने में स्टार को उनकी पोजिशन को, ठीक है, इसमें बिता दिया और उसको रिकॉर्ड भी किया, सारी ऑब्जर्वेशन अपनी रिकॉर्ड करी। हिज कंपाइल्ड डेटा वर एनालाइज लेटर बाय हिज असिस्टेंट जॉनस केपलर, ओके। और जो इन्होंने पूरी लाइफ टाइम अपनी रिकॉर्डिंग्स रखी, ठीक है, पूरी जो ऑब्जर्वेशन थी उसके रिकॉर्ड रखे, इसको इनके जो असिस्टेंट थे केपलर, इन्होंने एनालाइज किया इस चीज़ को, और इसी से इन्होंने केपलर लॉ दिए जिसको हमें आगे पढ़ना है। ही कुड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डेटा 3 एलिगेंट लॉस डेट नाउ गो बाय द नेम केपलर लॉस। दिस लॉ वर नोन टू न्यूटन एंड इनेबल हिम टू मेक अ ग्रेट साइंटिफिक लीप प्रपोजिंग हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और ये लॉ जो केपलर ने दिए 3 लॉ, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द टाइको ब्राहे, तो जो केपलर लॉ दिए उसी बेसिस में न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम केपलर लॉ को, नेक्स्ट वीडियो में केपलर लॉ की बात करेंगे, ठीक है।